आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर शो हो रही होगी एक डॉग की, जो कि एक थर्मो कैमरा से ली गई है। उसके अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उसके जिस हिस्से में भी है। लेकिन गर्मियों में कैट्स के अंदर एक ऐसा फंक्शन चल रहा होता है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। जब ये अपने कैट ये अपने फ़र को लिक करती हैं, उसके बाद वो वेट जो फ़र हैं इनके, वो थोड़े से गीले हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद, उम्मीद है आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों ने कैट रखी हैं, ये रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो वीडियो एंड तक लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी गलती बताने लगूँ आप लोगों की जो आप लोग अनजाने में करते हैं, जिसके बाद आपको और आपकी कैट को बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। लास्ट ईयर हमारे काफ़ी कम फॉलोअर्स थे, आई थिंक 1000 सब्सक्राइबर के अराउंड थे। तो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि समर्स के अंदर गर्मियों में आप अपनी बिल्लियों के बाल ना कटवाया करें, शेव ना करवाया करें। तो एक काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर, कुछ लोगों ने एग्री किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर दोबारा से एक डिटेल वीडियो बनाऊं और इसके अंदर ज़्यादा क्लैरिफाई कर दूं और प्रूफ भी कोई ना कोई इसके अंदर दिखा दूं कि मैंने जो बात की है वो क्यों की है और उसका क्या प्रूफ है और क्या उसके फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा, आप लोगों का ही फ़ायदा है इसके अंदर। हो सकता है आप लोगों के पैसे बच जाए, हो सकता है आप लोगों की कैट की जो ज़िंदगी है वो बच जाए, वो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाए। तो वीडियो को देखिएगा और समझिएगा ज़रा गौर से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, क्योंकि यहाँ पे कैट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो वीडियो को भी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कैट की शेव में और ट्रिमिंग में फ़र्क होता है। जो शेव होती है कैट की, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे पिक्चर लगा दूँ कोई ना कोई, बिल्कुल ही स्किन के ऊपर से बाल उतार लिए जाते हैं। और जो ट्रिमिंग होती है उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे से बाल होते हैं, उसके अंदर हाफ इंच से भी कम कम उसके जिल के ऊपर बाल होते हैं। तो ये फ़र्क होता है कैट की शेव में और ट्रिमिंग के। तो यहाँ अगर सबसे पहले मैं बात करूँ कि आप लोगों को कब कब कैट की जो ट्रिमिंग है वो करवा लेनी चाहिए, शेविंग कभी भी नहीं करवानी है आप लोगों ने। ट्रिमिंग की अगर बात करें कब कब करवा लेनी चाहिए, तो अगर आपकी कैट के हेयर मैट बन गए हैं, बहुत ज़्यादा गुंजल्स बन गए हैं बालों के अंदर और बाल जुड़ने लग गए हैं, अगर बहुत ज़्यादा ऐसी है, कोशिश करें कि खाली वो जो मैट्स हैं वही उतरवा लें। अगर ना उतर सके तो उसकी ट्रिमिंग करवा लेनी चाहिए उस सूरत में आपको। और यहाँ पे दूसरी रीज़न ये हो सकती है बाल बाल कटवाने के लिए, ख़ासतौर पर पर्शियन कैट की अगर मैं बात करूँ, कि उसको कोई बहुत ऐसी एलर्जी हो गई है और आपने मेडिसिन लगानी है या आपने कोई चीज़ ऐसी लगानी है जो उसके बालों की वजह से उसको ठीक से नहीं आप ट्रीट किया जा रहा आप लोगों से, तब आप उसकी करवा सकते हैं ट्रिमिंग करवानी, तब भी आपने शेव नहीं करवानी। उसके बाद अगर हम तीसरी बात करें, तो यहाँ पे बात करूँगा अगर आपने ऑपरेशन करवाना है कैट का, या कोई चोट लग गई है कैट को, वहाँ पर मेडिसिन लगानी है, तब भी आप उसके बाल वहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। और चौथा और बहुत ज़्यादा अहम एक रीज़न होता है बाल कटवाने का, जो कि बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है, और बहुत कम लोग ही इस वजह से ट्रिमिंग करवाते हैं, क्योंकि जब कैट्स कुछ कैट्स को ऐसा मसला होता है कि वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करती हैं, जब वो लिक करती हैं अपने बालों को तो बाल उनके अंदर जाते हैं और उससे हेयर बॉल को वो बाहर निकालती हैं, और ऐसा वो हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बाल कटवाने पड़ते हैं, ट्रिमिंग करवानी पड़ती है, ताकि वो कम लीक करें और कम ही वॉमिट करें, और वॉमिट करने से बार बार उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आ रहे होते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि आप लोग उसकी ट्रिमिंग करवा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएँ और बात करें कि कैट को जो है वो समर्स के अंदर या गर्मियों में ट्रिम या शेव कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये समझने से पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इंसान की और कैट की स्किन में क्या फ़र्क है। जो कैट की स्किन है वो इंसानों की स्किन से 30% ज़्यादा अब्जॉर्बिंग पावर रखती है। इसका मतलब ये है कि अगर हॉट वेदर है या फिर कूलिंग वेदर है, वो 30% ज़्यादा उसको अब्जॉर्ब कर रही होगी, उसकी बॉडी के अंदर जा रही होगी वो चीज़ें, वो लेयर्स या फिर जो भी वो रेज वगैरह होंगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कैट की स्किन के बाद कैट्स के फ़र्क के बारे में, तो यूजुअली हम अगर अपने कॉमन सेंस को यूज़ करें तो हमें यही लगता है कि जैसे हम लोग गर्मियों में थोड़ा सा उलझन फील करते हैं, जब हमारे बाल बढ़ जाते हैं थोड़ी सी हमें उलझन फील होती है, और ऐसे ही हमें कैट्स को देख के भी लग रहा होता है कि इनके बाल तो बहुत ज़्यादा हैं और इनको भी उलझन हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कैट्स के और इंसानों के फ़र्क में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, थिकनेस का फ़र्क होता है, स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है इसके अंदर, और कैट्स के फ़र्क के अंदर लेयर्स भी होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि कैट्स के फ़र जो हैं वो इनको सर्दियों में सर्दी से महफूज रखते हैं और गर्मियों में गर्मी से महफूज रखते हैं।
ये कुदरत का निज़ाम है और इसकी एक मैं मिसाल आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर शो हो रही होगी एक डॉग की, जो कि एक थर्मो कैमरा से ली गई है। उसके अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उसके जिस हिस्से में बाल हैं वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, और जिस हिस्से में उसके फर नहीं है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने इसके बारे में रिसर्च करनी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, मैं उनके लिंक्स भी नीचे दे दूँगा, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जिनके मैंने लिंक्स यहाँ पे दिए होंगे, और ख़ुद भी आप लोग इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आप लोगों ने कैट्स की ट्रिमिंग करवा दी है या शेविंग करवा दी है, उसके बाद क्या असरात हो सकते हैं कैट के ऊपर, उसकी स्किन के ऊपर, उसकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी स्किन 30% ज़्यादा अब्जॉर्बिंग पावर रखती है किसी भी हॉट या कोल्ड वेदर को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो जब आप लोग इनका फर कटवा देते हैं, जो कि इनका डिफेंस सिस्टम भी है इनकी स्किन का, इनकी ओवरऑल हेल्थ का, मैं इसको डिफेंस सिस्टम ही कहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही होती है इसकी स्किन को। जैसे ही आप इनका डिफेंस सिस्टम कट ऑफ करवाते हैं, उसके बाद बहुत सारी बीमारियाँ अटैक कर सकती हैं इनकी स्किन के ऊपर, और स्किन सेंसिटिव होने की वजह से उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसमें से स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, इसको सनबर्न हो सकता है, उसके अलावा इनको पैरासिटिकल अटैक हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत आसानी से स्किन के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकती हैं, स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर हम इनके फ़र की खसूसियात के अंदर बात करें तो इसमें से एक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये सर्दियों में सर्दी से बचाती है, गर्मियों में गर्मी से बचा रही होती है, लेकिन गर्मियों में कैट्स के अंदर एक ऐसा फंक्शन चल रहा होता है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। जब ये अपने कैट ये अपने फ़र को लिक करती हैं, उसके बाद वो वेट जो फ़र हैं इनके वो थोड़े से गीले हो जाते हैं, उसके ऊपर जो भी इनकी थूक वगैरह लग जाती है थोड़े से वेट हो जाते हैं, तो वो फ़र एक तरह का कूलिंग इफेक्ट इनको दे रहे होते हैं। जब उसके अंदर से हवा क्रॉस करती है तो इनके स्किन के ऊपर जो हवा पहुंचती है वो बिल्कुल ठंडी होती है। इसकी मिसाल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो एक वाटर कूलर जो आप लोग गर्मियों में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर पंखा लगा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके साइड पे जालियाँ होती हैं, उसके अंदर हमने गीली की होती हैं ताकि जो हवा क्रॉस हो के हमारे पास आए वो ठंडी हो। बिल्कुल ऐसे ही कैट्स के अंदर भी फंक्शन होता है, कैट जब लीक करती हैं तो वो जो हवा क्रॉस होती है वो बिल्कुल उनको ठंडी ही लगती है, गर्म नहीं लगती। और ये इसके अलावा एक और भी चीज़, जब जैसे गर्मियाँ आती हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैट्स के अंदर शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे होते हैं, उसकी एक रीज़न ये भी होती है, इनको जहाँ जहाँ पे फील होता है कि यहाँ पे बालों की वजह से हमें उलझन है या थोड़ा सा मसला हो रहा है, ये खुद वहाँ से अपने बाल शेड करना स्टार्ट कर देती हैं। ये भी एक कुदरती चीज़ अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हुई है। फिर लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप लोगों ने फ़र कटवाने ही हैं, ट्रिम करवाने ही हैं, तो पहली चीज़ ये कि शेव कभी भी ना करवाएं। मैं आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर्स कोशिश करूँगा शो करवा दूँ कि क्या अंजाम होता है जब आप लोग उसकी फुल शेव करवाते हैं, स्किन की बुरी हालत हो जाती है उसके बाद। और मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर आपकी कैट के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, आप लोग चाहते हैं कि उसे ट्रिम करवा लें, तो कम से कम भी उसकी स्किन के ऊपर 1.5 से 2 इंच की लेयर बालों की रखिए, ऊपर से बेशक कटवा दें लेकिन 1.5 से 2 इंच उसकी लेयर रखिए जो कि उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करती रहे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी सारी बातों की समझ आ चुकी होगी। मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर मैं आसान से आसान तरीके से आप लोगों को समझा सकूं, और मुझे अंदाज़ा है कि ये सब बताने के बाद भी, दिखाने के बाद भी मेरे पर तनकीद होगी, लोग मुझे गालियाँ ज़रूर देंगे, मेरी अपनी कम्युनिटी वाले ही मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि मैं आप लोगों के सामने सच लाऊं और जो आपकी कैट्स के लिए बेहतर है वो बताऊं, इसमें अपना फ़ायदा, बेशक मेरा नुकसान हो या ना हो, लेकिन जो सच बात है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। और कोशिश करें कि आप लोग भी सारी बातें सुनने के बाद थोड़ी इसके ऊपर रिसर्च लाजमी किया करें, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन आप लोग अपनी रिसर्च लाजमी रखा करें इसके बारे में। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि गालियाँ तो पढ़नी पड़नी है तो, लेकिन लाइक आप लोग कर देना, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। और सेकेंड जो मेरी वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड आएगी वो ये होगी कि कैट्स की कैसे जो है केयर की जाए गर्मियों के अंदर, और उनको गर्मियों से कैसे बचाया जा सके, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे कहीं पे मेरा इंस्टाग्राम लिंक आ रहा होगा, वहाँ भी फॉलो कर ले, वहाँ मैं चैनल के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।